गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट वन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, ब्लॉक डायग्राम और भी कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज उसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। तो बेसिकली फर्स्टली हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है ये डिस्कस किया था, उसके ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था, ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन को पूरा एक्सप्लेन किया था, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिमॉड्यूलेशन क्या है, किस तरह से मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, कैसे डिमॉड्यूलेशन होता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट के क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेवगाइड्स के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स। An optical fiber is a dielectric waveguide that propagates at optical frequencies. Optical fiber जो है एक dielectric waveguide है जो कि optical frequency पर operate किया जाता है। Normally cylindrical form, optical fiber waveguide जो होगा वो cylindrical form में होगा। It confines electromagnetic energy in the form of light to within its surfaces and guides the light in direction parallel to axis. Waveguides. Physical structure की बात करें अगर optical fiber waveguide की, तो basically इसमें दो layers या तीन layer कह सकते हैं, होते दो layer हैं। सबसे basic layer जो होता है core होता है, उसके ऊपर ये core जो covered किया गया होता है cladding से, और कोर और क्लैडिंग के ऊपर से एक बफर लगा देते हैं प्रोटेक्शन लेयर की तरह, और बफर के ऊपर हम लोग एक और लेयर यूज कर सकते हैं जिसे जैकेट बोलते हैं। सो फिजिकल स्ट्रक्चर दैट गाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स। ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स स्ट्रक्चर्स आर शोन इन फिगर। इन द स्ट्रक्चर फर्स्ट लेयर इज कोर, सबसे जो बॉटम लेयर है ये कोर होता है, ये कोर सराउंड किया हुआ होता है क्लैडिंग से, और क्लैडिंग के ऊपर से एक लेयर और लगा देते हैं बफर कोटिंग। कोर, क्लैडिंग एंड बफर, तीन लेयर्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड के। इस डायग्राम में भी यही शो किया है, एक कोर है जो बॉटम लेयर है, इसे कवर किया है, इसके ऊपर से क्लैडिंग है और सबसे ऊपर बफर लेयर को लगाया गया है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड बाय ग्लास, सिलिका और प्लास्टिक टू अ डायमीटर स्लाइटली थिकर देन दैट ऑफ ह्यूमन हेयर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और सिलिका ग्लास से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे इसकी तीन प्रॉपर्टी सामने आई, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है, फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होगा और सिलिका से बना हुआ होगा या प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, और जो कि ह्यूमन हेयर से भी बहुत पतला होता है, बहुत ही पतला होता है, उसी में लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होते हुए रिसीवर एंड पर मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड एंड आइडियली हैज अ सिलेंड्रिकल शेप। ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का डायलैक्ट्रिक वेवगाइड है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कोर मेड अप ऑफ अ डायलैक्ट्रिक मटेरियल। ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जो होता है उसमें एक लेयर होती है जिसे कहते हैं हम कोर, जो कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है, विच इज सराउंडेड बाई अ क्लैडिंग मेड अप ऑफ अ डायलैक्ट्रिक मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन कोर। ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड में एक लेयर होती है जिससे वो बना होता है, उसे कोर कहते हैं, डायलैक्ट्रिक का बना हुआ होता है, डायलैक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि सराउंड किया हुआ होता है क्लैडिंग से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। इट मीन्स इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज N1 and refractive index of cladding is N2, so in the case of optical fiber,
एन वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन टू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड में। तीन बेसिक्स लेयर, कोर, क्लैडिंग, बफर, इसके बाद हम एक जैकेट लेयर भी कह सकते हैं। कोर और क्लैडिंग ही मेन लेयर्स होते हैं। कोर क्लैडिंग की बात करें तो दोनों ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बने हुए हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। इट मीन्स क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर कुछ अलग तरह से इस डायग्राम को बनाया गया है, बट कॉन्सेप्ट सेम वही है जो अभी तक बताया है। फर्स्ट लेयर इज कोर, सेकेंड लेयर इज क्लैडिंग, थर्ड लेयर इज बफर, एंड द लास्ट लेयर इज जैकेट। सबसे पहला लेयर कोर, क्लैडिंग, बफर एंड देन जैकेट। अगर जैकेट की बात करें तो ये कह सकते हैं जैकेट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सबसे आउटर लेयर होता है, डिटरमाइंस द मैकेनिकल रोबस्टनेस ऑफ द केबल, यूजली प्लास्टिक, पीवीसी एटसेट्रा। जैकेट का काम होता है मैकेनिकल रोबस्टनेस को यहाँ पर डिटरमाइन करने का काम होता है। बफर, कोर और क्लैडिंग जिस लेयर से सराउंडेड होता है उसे कहते हैं बफर या कोटिंग। इसका काम होता है फाइबर को प्रोटेक्ट करना। सो बफर प्रोटेक्ट्स द फाइबर ऑप्टिक फ्रॉम फिजिकल डैमेज, फाइबर आइडेंटिफिकेशन एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लैडिंग। क्लैडिंग भी एक तरह का डायलैक्ट्रिक मटेरियल है, बताया था आप लोगों को। कोर और क्लैडिंग बोथ आर डायलैक्ट्रिक मटेरियल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग। क्लैडिंग एक तरह का डायलैक्ट्रिक मटेरियल है विथ एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन द कोर मटेरियल मेड बाय ग्लास ऑफ प्लास्टिक। क्लैडिंग ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोर। कोर की बात करें, कोर इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लैडिंग। कंडक्ट्स नो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट प्रोपगेशन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूजली ग्लास। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने लास्ट वाले डायग्राम में यहाँ जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। कोर के बारे में फाइनली हम ये कह सकते हैं इट कैरीज द लाइट सिग्नल, क्लैडिंग इट कीप्स द लाइट इन कोर, एंड कोटिंग थर्ड लेयर इज प्रोटेक्ट द क्लैडिंग फ्रॉम डैमेज। स्ट्रक्चर फाइबर ऑप्टिक केबल। ग्लास फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर जिसका 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर है, सराउंडेड बाई ए क्लैडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज स्लाइटली लोअर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। कोर प्लस क्लैडिंग इन दोनों के अगर का देखें तो 125 से 200 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। फाइबर इज मेड ऑफ सिलिका SiO2 ग्लास। क्लैडिंग इज ऑल्सो मेड ऑफ सिलिका बट आउटर लेयर इज एडेड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन, जर्मेनियम और फॉस्फोरस टू डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर हमेशा सिलिका का बना हुआ होता है, क्लैडिंग भी सिलिका का बना हुआ होता है, लेकिन क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम करना होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ स्मॉल अमाउंट में बोरॉन, जर्मेनियम या फॉस्फोरस को मिलाया जाता है जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए। यहाँ पर इसी ऑप्टिकल फाइबर के डायग्राम को एक स्ट्रक्चर से समझाया गया है।
जो बीच का लेयर होता है ये कोर है, इसका हाई एंड मीन्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड लेयर ये जो है ये क्लैडिंग है, इट ऑल्सो मेड बाई सिलिका लेयर बट लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड येलो लेयर इज बफर, एंड लास्ट वन दिस लेयर इज जैकेट प्रोटेक्टिव शील्ड। सो हियर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव गाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, प्लानर एंड स्ट्रिप। ऑन द बेसिस ऑफ मोड स्ट्रक्चर वेव गाइड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स। सो टू टाइप्स ऑफ वेव गाइड्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री टाइप्स आर प्लेनर एंड स्ट्रिप, ऑन द बेसिस ऑफ मोड स्ट्रक्चर सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडियंट इंडेक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडियंट इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपगेशन सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। यहाँ पर सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर के बारे में स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सो हेयर कोर डायमीटर इज 50 to 400 micrometer, क्लैडिंग डाया इज 125 to 500 micrometer, बफर जैकेट 250 to 1000 micrometer, एंड लास्ट इज जैकेट लेयर स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। हेयर कोर डायमीटर इज 5 to 10 micrometer, क्लैडिंग डायमीटर 125, बफर 250 to 1000, एंड लास्ट इज 0.08 to 1.5। सो अगर यहाँ देखें हम मल्टी मोड और सिंगल मोड में, तो मल्टी मोड में जो हमारा कोर है उसका डायमीटर अधिक होगा एज कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर। इसी डायग्राम से भी क्लियर है, अगर आप डायग्राम में देखो ये कोर का डायमीटर है, सर्किल के अंदर ब्लैक कलर से है। इसी में अगर मल्टी मोड में देखो कोर का डायमीटर बहुत ही अधिक है। इस चीज़ को यहाँ डायमीटर के फॉर्म में सिंगल मोड और स्टेप, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स को बताया है। तो इस पॉइंट से हमारा ये क्लियर होता है कि जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होगा उसका डायमीटर अधिक होगा एज कंपेयर टू सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। बाकी चीज़ें लगभग इक्वल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक जो डिफरेंस आता है वो कोर में, तो सिंगल मोड का जो कोर होगा उसका डायमीटर बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ विथ स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस चैनल, तो यहाँ पर कोर का डायमीटर जो है 3200 होता है, क्लैडिंग का 100 to 150 micrometer, बफर जैकेट 250 to 1000, एंड लास्ट इज 0.2 to 0.3। हाउ फाइबर वर्क्स, अभी तक हम लोगों ने पूरे, अगर जब से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है अगर पूरा समराइज करें हमने क्या क्या पढ़ाई कर ली। हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कोई कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसमें एक जनरल ब्लॉक डायग्राम लिया। ब्लॉक डायग्राम से कम्युनिकेशन के जनरल ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन किया, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर, चैनल, सारे टर्म्स आए। इसके बाद उसे कोरिलेट कर दिया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से,
ट्रांसमीटर सेक्शन में क्या क्या आएंगे, एलईडी, लेज़र कैसे आया, चैनल, रिसीवर, इसके बाद मॉड्यूलेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या वर्क हुआ, ये सब पढ़ा। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। उसके बाद फाइबर हमारा होता कैसे, वेव गाइड्स नाम से उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बफर है, उसके ऊपर एक जैकेट लेयर है। अभी हमें पढ़ना है कि फाइबर हमारा वर्क कैसे करता है। सो टॉपिक इज हाउ फाइबर वर्क्स। द जनरल प्रिंसिपल इज द क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ। फाइबर ऑप्टिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्नेल्स लॉ से आता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है लेयर चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। दो तरह से के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा ऑप्टिकल फाइबर। जो हमारा सिंगल मोड सॉरी स्टेप इंडेक्स फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर लेयर चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर कुछ और टर्म्स आएंगे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं सबों के हेल्प से हमें आगे पूरा वर्किंग ऑप्टिकल फाइबर की पढ़नी है। तो फर्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसके लिए पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, और अगर कोई लाइट रे अपनी मीडियम से ही अपने मीडियम में वापस आ जाए उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ वेव चेंज डायरेक्शन एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। दो मटेरियल्स के बीच में अगर वेव जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो उसे कहोगे रिफ्लेक्शन। जैसे पहला मटेरियल ये वाइट वाला है, दूसरा मटेरियल ये दूसरा कलर से दिखाया, इन दोनों को बाइफरकेट किया है, दोनों को अलग किया है। अगर कोई इंसिडेंट रे अपनी मीडियम से आते हुए दूसरी मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर टकरा के वापस चली आती है तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये है डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अगर कोई लाइट एनर्जी अपने मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में ना जा पाए सॉरी अपने मीडियम में ही वापस ना आकर के दूसरे मीडियम में चली जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग हो तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ वेव चेंज डायरेक्शन एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन अ वेव चेंज डायरेक्शन एज इट चेंज स्पीड व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर मटेरियल। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पे और भी एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे एक रेज आई अपने मीडियम में और ये वापस उसी मीडियम में चली आएगी तो ये रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई रेज आकर के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसे रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसी टॉपिक को आगे हम लोग डिस्कस कल करेंगे। ओके, थैंक यू।